अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब वॉरियर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि भाई लाहौर कलंदर तो फुल टाइम पीएस है, लेट को एंजॉय करिए और लाहौरियों के साथ साथ। और अनदर फुल स्टेडियम इसकी सेलिब्रेशन भी हो रही थी स्क्रीन के ऊपर। और यार लाहौर कलंदर्स की टीम के बारे में क्या बात करूँ, अब तो ऐसे लग रहा है कि कोई नॉर्मल सी चीज़ है जिसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि भाई बॉयज़ अपनों का तो वो हाल है। एक मैं मीम देख रहा था ट्विटर पे, ट्वीट आया हुआ था कि उसके अंदर लिखा हुआ था कि लाहौर कलंदर्स की जो रूटीन है वो कुछ ऐसी हो गई है कि रोज़ उठो, सुबह बैटिंग करो, बॉलिंग से किसी भी टीम की बजा दो, जीतो और सो जाओ। तो वाकई अपने बॉयज़ का ये हाल हुआ है। और माशाल्लाह लाहौर कलंदर्स हैव बिकम द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स, और ये फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हुए हैं और मज़ीद टॉप पर चले गए। इतने टॉप पर चले गए कि नीचे वाली टीमें जो हैं वो नज़रों से ओझल होती जा रही हैं। तो अल्लाह खैर करे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ कुछ ऐसी हो जाती कि एक टीम ऐसी होती जो किसी भी सीरीज़ में या इवेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है और फाइनल मैच हार जाती है। तो बस अल्लाह करे कि ऐसा कोई सिचुएशन ना आए और इस दफ़ा का जो अपना PSL 8 का सीज़न भी है लाहौर कलंदर्स जीत जाए, क्योंकि अपना शीनी बॉय भी छाया हुआ है फुल टाइम और शाहीन जो है अपने शाहीन के पर खोली बैठा है और ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग कर रहा है। और उसके बाद भाई राशिद खान को क्रेडिट दिए बगैर तो गुजारा नहीं होता भाई, कमाल का उसने बॉय ने 3 विकेट्स लिए हैं और स्कोर को रोक के रखा है। और मुझे नहीं लग रहा था कि यार शायद ये मैच हम जीत पाएंगे, क्योंकि 180 का स्कोर तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि अपने बॉयज़ 200 से नीचे करें तो कुछ होने लग जाता है। मगर फिर आती है अपनी बॉलिंग साइड जिसने कमाल का स्कोर को डिफेंड किया और यार 21 रन से हराया भाई, कमाल कर दिया मुल्तान सुल्तान जैसी टीम को। तो ये दोनों ऐसे हैं जो कि टॉपर होते हैं किसी भी क्लास के, और एक जो टॉपर है वो फिर दूसरे को ज़रा अखीर किस्म के स्कोर से हरा देता है। और यार अपनी बैटिंग की साइड पे मैं बात करना चाह रहा था, यार अब्दुल्ला शफीक ने सेकंड ओवर में खुशदिल शाह के ओवर में आई थिंक इतना ज़बरदस्त किस्म का क्रैकिंग साउंड वाला छक्का लगाया था यार, वो चीज़ ऐसे दिल को छू के गई है। और उसके बाद सिकंदर रजा ने पता नहीं किसके ओवर में लगाया था, बट उसका भी यार क्रैकिंग साउंड था फुल और ऐसे दिल पर हिट किया। लेकिन मोहम्मद रिजवान भाई ने भी बड़ा ज़बरदस्त सिक्सर मारा था, अब मुझे याद नहीं, जमान खान के ओवर में, हाँ याद आ गया भाई, अल्लाह का शुक्र, इतनी अच्छी मेमोरी है। तो ये कुछ ऐसे थे मोमेंट्स। और मुल्तान सुल्तान की बैटिंग साइड पर केविन पोलार्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम, 8th सेंचुरी कर ली है उन्होंने और आई थिंक 12,000 रन या 1200 रन से अबव उसका स्कोर हो चुका है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम फॉर दैट। बट यहाँ पर ही एक बात मैं और करता रहूँगा, केविन पोलार्ड के ओवर में अब्दुल्ला शफीक को जो उसने कैच आउट किया है तो उस वक्त जो उसने एक साइन दिया है अब्दुल्ला शफीक को कि भाई पवेलियन की तरफ वापस जा, तो आई डिडंट लाइक दैट, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है पर्सनली। ठीक है, आपने एक चीज़ अचीव की, एक बड़े मतलब अच्छे प्लेयर को एट दैट टाइम उसको आपने आउट किया जब 48 स्कोर करता था, ही वॉज 2 रन शॉर्ट फ्रॉम हिज हाफ सेंचुरी और आपने उसको उस टाइम पर आउट किया, बट उसको आपने ये जो पवेलियन की तरफ जाने का इशारा किया दैट वॉज समथिंग काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टिंग एंड ह्यूमिलिएशन, सो आई डिडेंट लाइक दैट। ICC पता नहीं इस पर कोई एक्शन लेती है या नहीं, बट पर्सनली आई डिडेंट लाइक दैट। यू शुड नॉट बी डिसरिस्पेक्टफुल, माई मैसेज फॉर केविन पोलार्ड, वी रिस्पेक्ट यू एंड वी इन्वाइट यू टू कम टू प्ले इन आवर कंट्री एंड प्ले विद आवर डिफरेंट टीम्स, बट एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो बी रिस्पेक्टफुल टू दी अदर प्लेयर्स, इवन इफ यू आर अ टॉप जी, बट यू शुडंट डू एनी काइंड ऑफ जेस्टर दैट गिव्स अ वाइब ऑफ ह्यूमिलिएशन टू अदर प्लेयर्स। तो बस यही बात करना चाहूँगा, अगर आप सबको भी नहीं पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताना कि यार केविन पोलार्ड का वो इशारा आपको पसंद आया कि नहीं आया। तो आज के जो PSL 8 में अपना क्रिकोमेंट्री था इसमें इतना ही है, ये छोटा सा एक सीन देख लो भाई, नेचर में आए हुए हैं, ये पानी का झरना चल रहा है हमारी साइड पर, पीछे से डर लग रहा था पानी में ना गिर जाऊँ, ये सामने नज़र आ रहा होगा ट्यूबवेल चल रहा है और फसल की तरफ पानी जा रहा है। और आज मैं भी थोड़ा सा लेट हो गया काम, सुबह दिन के टाइम में तो होश ही नहीं थी यार, टाइम ही नहीं मिला अपना क्रिकोमेंट्री का एपिसोड बनाने का, तो मैंने कहा अब ये ब्लॉग बना लिया जाए इससे पहले कि सूरज बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और मोबाइल की लाइट जो है वो फारिग लगने लग जाए। पता नहीं अभी भी कैसा लग रहा हूँगा, ये तो वीडियो में पता चलेगा। तो आप सबसे कहना था कि यार लाइक के बटन को छू लो और सब्सक्राइब का जो बटन आ रहा ना यहाँ पे, इसको फ़ौरन से दबा के सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, कोई तरीका है भीख मांगने का। और अगर आप लोगों को ऐसा वैसा कुछ लग रहा है तो मैं पहले ही बता दूं भाई, दोस्त भिखारी नहीं है, बहुत पैसे अपने पास। तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दो और अपना प्यार दिखा दो। इसी के साथ दिस इज मी साइनिंग ऑफ, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।